बेल्ट का साउंड है वो बहुत ही प्यारा है, रॉकेट की तरह आप निकलते हैं, ऐसा लगता है जैसे जेट इंजन इस पर लगा हुआ है। आज जो है हम एथर का रिव्यू करने जा रहे हैं और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे दो यहाँ पे एथर खड़ी हुई हैं। तो ये आपकी गाड़ी कितना चल चुकी है? ये हमारी चल गई है 9500 किलोमीटर, लेकिन सर्विस का एक्सपीरियंस ज्यादा बढ़िया नहीं रहा। अच्छा, सर्विस का एक्सपीरियंस। एथर की जो स्कूटी है इतना पसंद आई कि फिर उसके बाद दूसरी स्कूटी अपने फैमिली में ये दिलवाई। इको मोड पे मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो हमने इसकी राइड की है वो 122 किलोमीटर। इसमें देखिए ये पतला लगा हुआ है, वाइब्रेट भी करता होगा ये चलने पे। और ये देखिए इसका गैप बहुत कम है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस हुई? बहुत सी प्रॉब्लम आई, जैसे कि इसका जो ये फैन है, हाँ हाँ, तो इसका ये फैन का जो ऊपर का कवर है ये बार बार निकल जाता है। इसकी ये जो रबड़ है सीट के नीचे वाली ये बार बार निकल जा रही है। अच्छा, तो आज हमारे पास है एथर की दो गाड़ियां, जो एक है ओल्ड वाला वर्जन, दूसरा है न्यू वाला वर्जन। एथर की गाड़ी को टेस्ट राइड रिव्यू करेंगे और इसके ओनर से भी बात करेंगे, एथर की अच्छाइयां और बुराइयां जो भी हैं उनको जानेंगे। तो चलिए व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। अगर 450X जो नई वाली है इसके ऊपर आ चुके हैं और इसको चलाने का राइड एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। ये आपकी टच स्क्रीन रहती है, मैप वगैरह आपको इसमें दिखता है, 450X की बैजिंग दिखती है, ब्लूटूथ आपको सामने दिखता है, ओडोमीटर इधर आ जाता है और बाकी बैटरी परसेंटेज जो है वो इस तरफ दिखता है, जितने भी मोड होते हैं वो आपको इस तरफ दिखते हैं। जो आपका टॉगल बटन है वो इस तरफ आ चुका है, इसमें पहले वाले वेरियंट पर नहीं आता था। तो इसके अंदर आपको जो है चार मोड देखने को मिलते हैं, पहला होता है इको मोड, दूसरा है राइड मोड, तीसरा है स्पोर्ट मोड और चौथा है वार्प मोड। और बाकी इसमें आपका रिवर्स जो है वो आ चुका है, इसमें स्विच दे रखा है, आप जैसे इसको करेंगे आपका बैक में स्कूटर मैक्सिमम तीन की स्पीड से रिवर्स में जाता है। और अगर जो इसको फ्रंट करना है तो एक बार स्विच करिए और ये आपका फ्रंट मोड पर आ जाता है। बाकी इसमें किल स्विच पहले से ही आता है, जैसे आप किल स्विच लगाएंगे आपका इस तरीके का स्क्रीन पर दिखाई देता है। इसकी की को ऑन करते हैं और ब्रेक प्लस पावर बटन, इको मोड में ये लग गई और स्टार्ट हो गई। अब यहाँ से हम एक्सीलेटर लेंगे और ये चलना चालू कर देगी। अब ये इको मोड पे थोड़ा सा स्लो उठती है, ये एथर 450X है, ये इको मोड पर चल रही है और मोड चेंज करने के लिए ये मोड बटन दे रखा है। इसको जब राइट साइड में स्विच करेंगे तो इसका एक्सीलेटर छोड़ना पड़ता है, तब इसका मोड चेंज होता है। अब ये राइट मोड में आ चुकी है, राइट मोड में थोड़ा सा पावर इसकी बढ़ती है और इको मोड से काफ़ी फास्ट हो जाता है ये राइट मोड में। बिल्ड क्वालिटी जो है वो अच्छी फील हो रही है और इसकी राइट मोड में सबसे अच्छी चीज़ जो इसका बेल्ट का साउंड आ रहा है वो काफ़ी अच्छा लगता है, बिल्कुल सोनिक की तरह, जैसे जो जेट इंजन होता है जब वो रन करता है उस जैसा फील देता है। ये देखिए, और कंपनीज की स्पीड जो टॉप स्पीड है इको मोड पे वो 50 बताती है, ये 50 तक जाएगा कि नहीं जाएगा। अभी बैटरी है जो 55% बैटरी है इसके अंदर और 50 पहुंच गई थी, फिर उसके बाद 49 आ गई है, 50 प्लस है स्पीड इसमें। अब इसकी मोड को चेंज करते हैं और राइड मोड में डालते हैं और फिर देखते हैं। राइड मोड इको मोड से भी फास्ट है, कंपनी 60 बताती है और ये कितना जाती है, 61 62। तो 60 प्लस इसका राइड मोड जो है वो रन करता है। और अब इसको डालते हैं स्पोर्ट मोड पे, और स्पोर्ट मोड मीटर कंट्रोल काफ़ी यूनिक है, जैसे ही मोड चेंज करते हैं आपको मोड कलर देख करके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस मोड में आप चला रहे हैं अपनी एथर को। और ये देखिए पावर, सबसे प्यारी चीज़ जो इसका बेल्ट का साउंड है वो बहुत ही प्यारा है, रॉकेट की तरह आप निकलते हैं, ऐसा लगता है जैसे जेट इंजन इस पर लगा हुआ है।
पावर की तो बिल्कुल भी आपको इसमें कमी फील नहीं होने वाली, क्योंकि जो ये अपनी टॉप स्पीड बहुत ही जल्दी अचीव करता है और स्पोर्ट मोड पे ये आराम से आपको 84, 87, 89 ये तो स्पोर्ट मोड पे ही 90 टच कर गया, तो ये स्पोर्ट मोड में 90 आराम से चला जाएगा, ज़्यादा जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी इसके साथ में। अब इसका ट्राई करते हैं रफ मोड, पावर तो बढ़िया आ रही है, स्पोर्ट मोड की तुलना में थोड़ा सा प्लस है, ब्रेकिंग भी इसकी बढ़िया है, ब्रेकिंग भी इसकी बहुत बढ़िया है। तो आपको जो पिछला व्लॉग दिखाया था जिसमें हमने ओला S1 Pro Gen 2 का रिव्यू किया था, आज जो है हम एथर का रिव्यू करने जा रहे हैं और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे दो यहाँ पे एथर खड़ी हुई हैं। पहली वाली जो रेड कलर की है ये ओल्ड वाला वर्जन है और ये जो लेटेस्ट में इस टाइम पे आ रहा है ये एथर 450X है। अब इसका हम ऑनर रिव्यू करेंगे और इसके लिए हम बुलाते हैं करीम साहब। सलाम। तो करीम साहब, ये दोनों गाड़ियां जो है वो ओन करते, दोनों ही इनकी फैमिली में ही ये गाड़ियां हैं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए करीम साहब, कैसी रही ये आपकी एथर, कैसी चलने में है, कुछ हमें जरा इसके बारे में बताएं। बहुत अच्छी गाड़ियां हैं ये हमारे पास एक ओल्ड वर्जन की थी, हमें अच्छी लगी तो हमने दूसरी भी परचेज की। तो ये गाड़ी आपको परचेज हुए लगभग कितना टाइम हो गया है? इसको हो गए हमको 8 महीने लिए हुए और इसका 1 महीना हुआ है सर। तो ये आपकी गाड़ी कितना चल चुकी है? ये हमारी चल गई है 9500 किलोमीटर। चलाने में कैसी है ये? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, स्मूथ चलती है, काफी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा इसको लेने के बाद और माइलेज भी अच्छा देती है बैटरी के हिसाब से। अच्छा अच्छा जी। डेली का आपका वैसे रन कितना है? 70 से 75 किलोमीटर डेली डेली चलती है जी। आपका अब वर्क वगैरह इससे जैसे काम लेते हैं वो, उसके बारे में डिटेल बना, डेली लाइफ में आप इसको कैसे यूज करते हैं? डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं, हमारी दरअसल परचून की दुकान है तो हाँ। सामान लाने ले जाने के लिए ज्यादा हमारी यूज होती है। अच्छा अच्छा। तो लगभग एक दिन में आपका 70 किलोमीटर का 5 किलोमीटर चली ही जाती है, रोज चल ही जाती है। तो रात में जैसे चार्ज करते हैं जी, उसके बाद सुबह से इससे सारा काम वगैरह होता है, तो क्या इस पे सामान वगैरह भी कुछ रखते हैं? सामान वगैरह भी ढो लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कितना रखते हैं इस पे सामान लगभग? सामान वैसे कोई एक्चुअली क्वांटिटी तय नहीं है कितनी है, लगभग मान के चलिए 50 से 60 किलो तो हो ही जाता है। अच्छा, डेली डेली 50 से 60 किलो का सामान सिंगल बंदा इसको राइड करता है या दो लोग? नहीं, कभी कभी दो बंदे भी चले जाते हैं। तब भी ये आपको कितना किलोमीटर चल जाती है? 70 से 75 परमानेंट डेली चलती ही चलती। तो जैसा कि करीम भाई बता रहे हैं कि 75 किलोमीटर के आसपास इनका डेली का रनअप है और इस पे सामान वगैरह भी लेके जाते हैं। ये आपको स्कूटी लगभग कितने की पड़ी थी? ये हमें सर ओल्ड वाला वर्जिन तो हमें थोड़ा महंगा पड़ गया था, इसीलिए उस समय हमारे यहाँ लखनऊ में सब्सिडी नहीं मिल रही थी। हाँ हाँ, सब्सिडी सिस्टम जी, तो इसीलिए थोड़ी महंगी पड़ गई थी और जब हमने ये वाली खरीदी तो हमको इसने परचेज करते ही हमें सब्सिडी तुरंत मिल गई थी। अच्छा। फॉर्म फिल करते ही सब्सिडी मिल गई थी। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी भी इसमें आ गई थी। हाँ, तो लगभग ये कितने की पड़ी थी और आपकी वो कितने की पड़ी ये थी? हमें पड़ी थी 1,94,400 की। अच्छा, 1,94,400 सब्सिडी निकाल करके जी। अच्छा अच्छा। और ये वाली जो है? ये वाली 1,67,500 की पड़ी है। अच्छा, जो आपने बताया कि 75 किलोमीटर आपका डेली का रन है, तो वो आप किस मोड पे इसको चलाते हैं? ज्यादातर इको मोड पे चलाते हैं इसको। अच्छा, इको मोड पे। तो इको मोड पे इसकी टॉप स्पीड क्या रहती है? 50 तक आराम से चली जाती है, चलती रहती सामान के साथ में, और अगर दो बंदे बैठे हुए हैं तब भी चलती है, तब भी 75 किलोमीटर जी। अच्छा, चल जाती है। अपने हिसाब से आप बताइए कि इको मोड पे लगभग आपको मैक्सिमम, जैसे कुछ एक माइंड में होता नहीं है जी, तो मैक्सिमम ये कितना रन कर सकती है? इको मोड पे मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो हमने इसकी राइड की है वो 122 किलोमीटर। अच्छा, आराम से चली गई है? चलाई है लगातार नॉन स्टॉप। अच्छा अच्छा जी। तो जैसा कि बता रहे हैं कि 122 किलोमीटर नॉन स्टॉप इको मोड पे इन्होंने रन करी है, और क्या स्पीड रही होगी आपकी? स्पीड हमें रही है परमानेंट 40 से 50 के अंदर। अच्छा, 40 से 50 अगर वो चलाते हैं तो 122 किलोमीटर इससे निकाल चुके हैं जी। और ये वाली
चली है 85 किलोमीटर ओनली 85 जी अब तक। अच्छा अच्छा इको मोड पे एथर की जो स्कूटी है इतना पसंद आई कि फिर उसके बाद दूसरी ही स्कूटी अपने फैमिली में ये दिलवाई। तो करीम साहब, जैसे आपने इसके अंदर 1,95,000 जो पहले की स्कूटी थी ये ली थी, तो लगभग आपने इससे कितना रिकवर कर लिया है? के ऐप से जो पता चला है उससे हमें पता चला है कि 17,800 कुछ रुपए का पेट्रोल हमने बचा लिया है। 17,800 का अब तक, मतलब 9,500 किलोमीटर चलाने के बाद जी जो ऐप शो कर रही है कि इतना पेट्रोल आप बचा चुके हैं। और लगभग आपको चार्जिंग में कितना खर्चा आया होगा? पर डे एक बार आप जैसे इसको फुल चार्ज करते हैं तो लगभग कितना खर्चा आ जाता है? लगभग 20-25 रुपए का आ रहा है। 20-25 रुपए का? कितने घंटे में ये आपकी नॉर्मल चार्जर से चार्ज होती है? 4 आवर्स में चार्ज हो जाती है फुल। अच्छा, तब तक आपकी बैटरी बची रहती होगी। जैसे डेली यूज 75 किलोमीटर जैसे आपने बताया कि लगभग चलाने के बाद में जी, तो कितना इसमें बैटरी बचती है? इसमें बैटरी हमेशा 25 बच जाती है, 25, 22, 23 या 20 के ऊपर ही रहती है, 20 के ऊपर ही हमेशा रही है, इससे नीचे नहीं गई अभी तक। इसको चलाने के बाद इसमें 25% की लगभग 25 बच जाती है, उसके बाद में भी ये 75 किलोमीटर का रन आराम से कर लेती है। तो डेली के हिसाब से देखा जाए तो अब तक इन्होंने 8 महीने में लगभग 17,000 रुपये के आसपास इन्होंने सेविंग करी है। अब हमें आप ये बताइए कि 8 महीने के अंदर आपको कोई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई, कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस हुई? बहुत सी प्रॉब्लम आई। जैसे कि इसका जो ये फैन है, हाँ हाँ, तो इसका ये फैन का जो ऊपर का कवर है ये बार बार निकल जाता है। इसकी ये जो रबड़ है सीट के नीचे वाली ये बार बार निकल जा रही है। अच्छा, ये जो फैन का कवर है, ये वाला जो फैन का कवर है ये इसका निकल जाता है बार-बार। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्या इस वाली में है क्या? अभी उस वाली में तो आया नहीं है। अच्छा, सर, इस वाली में तो ज्यादा आया है। अच्छा, और इसके अलावा इसके पता नहीं क्या है कंपनी की बिल्ड क्वालिटी में, जो इसका लेफ्ट साइड का शीशा हमेशा अपने आप ही ढीला हो जाता है। अच्छा, इसका भी ढीला हो जाता है, उसका भी ढीला हो जाता है। अच्छा, दोनों ही हो जाते हैं। तो दोनों ही स्कूटियों में जो लेफ्ट साइड का मिरर है उसकी वजह से ये अपने आप निकल के टूट जाता है जी। और अभी इसमें दिख रहा है कि इसमें भी लेफ्ट साइड का मिरर नहीं है हमारे जी। इसमें आपके पास लेफ्ट साइड का काफी स्क्रैच लगे हुए हैं, दिख रहा है कि बहुत ही ज्यादा रफ एंड टफ यूज करते हैं। बिल्ड क्वालिटी को लेकर के मतलब इसमें सिर्फ वो एक यही इशू आता है बार बार, जो इसके फैन का कवर निकल जाता है और ये साइड मिरर नहीं ठीक हो रहा। बाकी चलाने में कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि अचानक से ये बंद हो गई हो या कोई प्रॉब्लम? कभी नहीं। अच्छा जी। अच्छा, ऐसा कोई प्रॉब्लम मतलब चलते चलते ये आज तक नहीं रुकी है। तो इसकी सर्विस का बताएं कि जैसे कि इसको सर्विस कितने टाइम बाद आप कराते हैं? 5,000 किलोमीटर के बाद कराई जाती है सर्विस। अच्छा, इसकी तो पहली सर्विस हुई अभी 5,000 पे इसकी पहली सर्विस हुई थी। हाँ हाँ, लेकिन सर्विस का एक्सपीरियंस ज्यादा बढ़िया नहीं रहा। अच्छा, सर्विस का एक्सपीरियंस बढ़िया नहीं है। कितना टाइम लग जाता है जब गाड़ी वहाँ छोड़ते हैं? गाड़ी वहाँ छोड़ने के बाद कम से कम 4 आवर्स का टाइम मांगते हैं। अच्छा, इसमें ज्यादा कोई काम होता नहीं है, केवल इसमें बेल्ट और मोटर चेक की जाती है। अच्छा, चेक करी जाती है और उसका भी वो लोग चार्ज लेते हैं। और सर्विस कराने अगर आपने बिना बुकिंग के अगर सर्विस कराने पहुंच गए शोरूम, तो सर्विस सेंटर वाले बोलते हैं आपको पहले जो है एडवांस में बुकिंग लेनी चाहिए। तो सर्विस एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा अच्छा नहीं रहा। बाकी ओवरऑल स्कूटी से आप सेटिस्फाइड हैं? स्कूटी से हम सेटिस्फाइड। अगर कोई लेना चाहता है तो क्या उसको एथर ही प्रेफर करेंगे या कुछ और? एथर ही कहेंगे जी। हाँ, आपने तो काफी ज्यादा इसको रन कर दिया और काफी रफ एंड टफ यूज किया है, तो आपको तो एथर ही पसंद आएगी। जब आप इलेक्ट्रिक ईवी का आपने सोचा और इलेक्ट्रिक ईवी में आप गए, तो आपने क्या क्या चीज़ें ट्राई करी थी, क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की थी जिसकी वजह से आपने एथर की ये स्कूटी परचेज कर? हम कई इलेक्ट्रिक कंपनियों में गए ईवी खरीदने के लिए, लेकिन हमें इसकी बिल्ड क्वालिटी देख के और इसकी सर्विसें देख के हमको यही अच्छी लगी, इसलिए हमने एथर ही खरीदी। अच्छा अच्छा, काफ़ी ज़्यादा मतलब आपने लगभग कौन कौन सी स्कूटियाँ ट्राई करी थी आपने? हमने ओला में भी ट्राई किया। हाँ, और हीरो की भी हमने ट्राई की। अच्छा अच्छा, अगर कोई परचेज करना चाह रहा है तो उसको क्या क्या इसकी एडवांटेज आप बताएंगे? जैसे आपने बताया कि आप किराने की दुकान है इस पे, तो आसपास के गांव में इसको ले जाते हैं डेली? बिल्कुल ऑफ रोडिंग भी करती है, अच्छी खासी ऑफ रोडिंग भी है इसमें, और थोड़ा बहुत आप सामान इसमें ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। अच्छा जी, मोटा मोटे तौर पे अगर करीम भाई की बात अगर समझे तो ऐसा है कि लगभग 50-60 किलो का सामान बोरी भी इसमें बीच में रख लेते। सिलेंडर तो आपका 30-35 किलो के आसपास का होता है, बट आधे कुंटल के ऊपर का सामान भी इसमें रख लेते हैं, और उसके बाद दो बंदे बैठ भी जाते हैं इसके अंदर, और दो बंदों को लेकर के ये आराम से 70 से 75 किलोमीटर का रन करती है, फिर भी उसके अंदर 20-25% की बैटरी बच जाती है। और ये इनका डेली का काम है, क्योंकि इनकी किराने की दुकान है, तो
आसपास के गांव में, जितने भी आसपास के गांव पड़ते हैं वहां पे इनका सामान आना जाना पहुंचाना रहता है, उसके लिए ही ये स्कूटी इन्होंने परचेज की थी। और इतना ज़्यादा बचत मिली कि उन्होंने दूसरी स्कूटी भी परचेज कर ली है। तो एथर के ये एक बहुत ही हैप्पी कस्टमर हैं। अगर तो आप हमारी ऑडियंस को बताएं, अगर वो एथर परचेज करना चाहता है तो क्या रहेगा उसके लिए? बिल्कुल आराम से आँख बंद करके खरीद सकते। अच्छा, एथर को आँख बंद करके आप खरीद लें ये बता रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम्स कोई भी नहीं आई है। और थोड़ी बहुत जो जो दो प्रॉब्लम बताई वो भी कोई इतनी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। स्कूटी इनकी अचानक से चलते चलते बंद नहीं होती, जिस दिन से परचेज किया है। एक सर्विस कराई थी जो रेड वाली, जो अभी कुछ सामान डालने के लिए गई हुई है, तो रेड वाली स्कूटी जो है वो आज तक कभी भी उसने धोखा नहीं दिया। सिर्फ उन्होंने एक बार फुल चार्ज पे उसको 122 किलोमीटर इको मोड पे उन्होंने चलाया है, ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया था? जी बिल्कुल। अच्छा, तो इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस एथर से काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी खुश हैं ये एथर से। अभी देखिए मेरे पीछे ये अभी ये कुछ सामान इस पे रख करके लिए गए हुए थे। अच्छा, अभी कहाँ गए थे आप? अच्छा, सामान ले करके इतनी देर में देखिए इस स्कूटी ने सामान लिया और इसको पहुँचा भी दिया, ये छोड़ के भी आ गए हैं। तो ये डेली स्कूटी जो है लगभग 70 से 75 किलोमीटर का रन करती है और बहुत ही रफ एंड टफ, काफ़ी स्क्रैच वगैरह पड़े हुए हैं इसके अंदर, काफ़ी रफ एंड टफ यूज़ करते हैं। तो कौन इसको ज़्यादा ड्राइव करता है, आप या आप? यही भैया जी ज़्यादा। अच्छा, आप ज़्यादा इसको ड्राइव करते हैं। दो बंदे बिठाल करके आप इसको आराम से चला लेते हैं? हाँ। अच्छा, और सामान भी इसमें रखते हैं आप? हाँ, 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर रेंज की जो है। अच्छा अच्छा, जब जैसे 15 किलोमीटर गए और आ गए, फिर 15 किलोमीटर गए और आ गए, ऐसे करके डेली इसका मतलब रहता है जाना आना। खुश हैं एथर से और कोई शिकायत इसमें मिल नहीं रही है। हैप्पी कस्टमर, हैप्पी कस्टमर। के अंदर जो ये ओल्ड वाला वर्जन है इसमें क्या क्या फीचर आते थे, और जो ये न्यू वाला है इसमें क्या क्या फीचर आते हैं, कुछ हमें फीचर्स के बारे में बताएं। इसके फीचर्स में इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिंग वगैरह तो पहले से दी हुई थी। अच्छा, लेकिन ये बार बार अपडेट होने के बाद इसमें कोई अपडेटिंग वर्जन नया नहीं आ रहा है। अच्छा, इसमें अपडेशन नहीं आता है? अपडेशन नहीं आ रहा है। अच्छा, और इसमें जो है रिटर्न गियर के लिए जो है यहाँ से टच करना पड़ता है इसको बार बार। अच्छा जी, और उसमें अलग से दे रखा है? अलग से दे रखा है बटन। अच्छा अच्छा अच्छा, कंपनी वालों ने नया जो अपडेट वर्जन किया है तो उसमें अलग से ही दे दिया बैक गियर का बटन। आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये मीटर कंसोल जो इसका है ना, फ्रंट का हैंडल जिसपे आपको तमाम तरीके के स्विच वगैरह दे रखे हैं, ये एक बिल्ड क्वालिटी ये ओल्ड वाला वर्जन था उसकी है, और इधर खड़ा हुआ है ये न्यू वाला वर्जन, जिसमें नया दे दिया है। जैसे कि ये टॉगल बटन इसमें दे दिए गए हैं जो पुरानी वाली में नहीं थे। ये रिवर्स का जो इन्होंने नया ऐड किया है, अच्छा ये रिवर्स का इन्होंने नया ऐड कर दिया, बाकी सब पहले जैसा ही है। इसका मीटर कंसोल भी जो है वो इसका डिस्प्ले भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। उसमें ओल्ड वाले में जो था वो हमें स्क्रीन पे स्क्रॉल करने से आता था। अच्छा, रिवर्स बटन इस पे यहाँ से स्क्रॉल करने पे आता था, अलग से स्विच दे दिया है। अच्छा, और ये वाला जो है इसमें टॉगल बटन इसमें दे रहेगा कि इसको टच ना बिना किए हुए आप इसको यूज कर सकते हैं, इसके फंक्शन को है यूज कर सकते हैं। और इसमें जो सेफ्टी गार्ड लगा हुआ था रेड वाले में वो थोड़ा चेन कवर से मिला हुआ लगा था बेल्ट कवर से, लेकिन इसमें थोड़ा सा दूर से लगाया हुआ है, ये एक अच्छा फीचर है। अच्छा अच्छा, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है, ये काफी उसमें पतला लगा हुआ है, पतला लगा हुआ है और वो मिला हुआ लगा था। अच्छा अच्छा, रेड वाले में, लेकिन इसका जो है थोड़ा सा दूर से लगाया गया। अच्छा, ये देखिए ये गैप जो गैप है ये थोड़ा सा डिस्टेंस इसका बढ़ाया गया है, क्वालिटी भी बढ़ा दी है कंपनी ने और इसको अच्छी क्वालिटी का बनाया गया। इसमें देखिए ये पतला लगा हुआ है, ये वाइब्रेट भी करता होगा, ये चलता है चलने पे। और ये देखिए इसका गैप बहुत कम है, इसमें एक दो उंगलियां भी आराम से नहीं जा पा रही है, मगर इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है। और बाकी फीचर्स में ये लोडेड है, इसकी चार्जिंग टाइम भी कुछ कम हुआ है क्या? नहीं, सब सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। थोड़ा सा बस इसका जो नया जो मीटर आया हुआ हाँ, इसको इन्होंने इम्प्रूव किया है, इसमें फीचर्स इसके अंदर थोड़े बहुत ऐड किए हैं। बाकी ओवरऑल लुक देखिए कैसा लग रहा है। 1642 किलोमीटर ये लगभग चल चुकी है, पहले बैजिंग नहीं आती थी, अब यहाँ पे 450X लिख करके आ रहा है और यहाँ पे 450X नहीं लिख करके पहले आता था। बाकी देखने में पूरी दोनों एक जैसी है। अच्छा, एक्स में अलाइवल कलर ही आते हैं। तो करीम भाई बहुत बहुत आपका थैंक्स, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। को कुछ अच्छा लगता है व्लॉग तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और पहली बार देख रहे हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा।